हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिग बैश लीग 2022-23 के 49 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है ब्रिस्बेन हीट और होबर्ट हुरिकेन्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 20 जनवरी को इंडिया टाइम के अनुसार 2:10 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी द ग्राबा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो पहली टीम ब्रिस्बेन हीट की बात करें, जहाँ 5 मैच में 3 मैच विन है, 2 मैच लॉस करके आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम होबर्ट हुरिकेन्स की बात करें तो 5 मैच में 3 मैच विन है, 2 मैच लॉस करके आ रही है। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टीम फॉर्म में लगभग दोनों का इक्वल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैच में, तो जहाँ पे ब्रिस्बेन हीट 4 मैच जीत के आ रही है, तो होबर्ट हुरिकेन्स 6 मैच जीत के आ रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड टू हेड में होबर्ट हुरिकेन्स आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैच में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे ब्रिस्बेन हीट का 40% है, तो वहीं होबर्ट हुरिकेन्स का 50% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो ब्रिस्बेन हीट का 160 है, तो वहीं होबर्ट हुरिकेन्स का 157 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो ब्रिस्बेन हीट का 224 है, तो वहीं होबर्ट हुरिकेन्स का 229 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो ब्रिस्बेन हीट का 121 है, तो वहीं होबर्ट हुरिकेन्स का 122 है। तो ये रहे दो टीमों का टीम कंपेरिजन। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो टीम कंपेरिजन में होबर्ट हुरिकेन्स आगे चल रही है। बढ़ते फिर चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी? तो पार्टली सनी रहेगी, 28.2 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 54% रहेगी, वहीं 3% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है? तो फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर देखें तो 166 बन सकती है, वहीं सेकेंड इनिंग में 152 बनने की संभावना है। अगर इस पिच पे देखें तो टोटल 57 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें, इस पिच पे दोनों तरफ से दोनों टीम को सपोर्ट मिल सकती है। जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो वो भी मैच जीत सकती है, या जो भी टीम टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो वो भी मैच जीत सकती है। एवरेज इस पिच पे देखें तो अधिकतर मैच डिफेंड हुई है, तो गाइस यहाँ पर टीम के लिए प्लस पॉइंट हो सकती है कि टॉस जीत के बैटिंग करें। एंड में इस पिच पे काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। अगर चेसिंग की बात करें तो इस पिच पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बॉलिंग करने वाली टीम को चेसिंग कर पाना। तो पिच काफ़ी अच्छी है, इस पिच पे काफ़ी ज़बरदस्त मैच भी हुए हैं। तो ये रहे पिच की रिपोर्ट। अब बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहले टीम ब्रिस्बेन हीट की बात करें तो नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है। वहीं अगर बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो थोड़ी सी यहाँ पर सुधारने की ज़रूरत है। अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर ये बैठी हुई है। टोटल 11 मैच खेली है, जिसमें से 4 मैच विन है, 6 मैच लॉस है। तो क्या यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट को थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बननी पड़ सकती है। अगर दूसरी टीम होबर्ट हुरिकेन्स की बात करें तो नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है, ज़बरदस्त टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर इसके पॉइंट टेबल की बात करें तो पॉइंट टेबल में टोटल 11 मैच खेल के आई है, जिसमें से 5 मैच विन है और 6 मैच लॉस करके आ रही है। तो एवरेज है, दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग है, दोनों के बीच में मैच भी काफ़ी ज़बरदस्त हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए ब्रिस्बेन हीट हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है और मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी लगता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलना, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।